आज व्हाट्स न्यू में व्हाट्सएप को लेकर दो खबर हम आपके लिए लाए हैं। सबसे पहली खबर जुड़ी है वैक्सीनेशन सेंटर से। जैसा कि आप जानते हैं कि 18 से 45 साल के एज ग्रुप के लिए 1 मई 2021 से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो चुकी है। ऐसे में सरकार ने आपकी सुविधा के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के साथ मिलकर एक मुहिम शुरू की है, जिसके जरिए अब आप घर बैठे व्हाट्सएप की मदद से नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर का पता लगा सकते हैं। ऐसे में अगर आप वैक्सीनेशन करवाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको नजदीकी सेंटर के बारे में पूरी जानकारी लेनी होगी, जिससे वैक्सीनेशन के दौरान आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप ऐप के जरिए वैक्सीनेशन सेंटर का पता लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट में 9013151515 सेव करना होगा, जो कि MyGOV कोरोना हेल्प डेस्क से जुड़ा है। इसके बाद इस नंबर से नमस्ते मैसेज टाइप करके भेजना होगा। थोड़ी देर बाद चैट बॉक्स आपको ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स देगा। फिर आपसे 6 अंकों वाला पिन कोड डालने को कहा जाएगा। पिन कोड डालने के बाद ही आपके नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। दूसरी खबर जुड़ी है व्हाट्सएप की वॉइस मैसेज से। दरअसल व्हाट्सएप एक नए फीचर को टेस्ट कर रहा है, जिसकी मदद से अब आप अपने वॉइस मैसेज को भेजने से पहले रिव्यू कर सकते हैं, और वो भी अलग अलग प्लेबैक स्पीड के साथ। कंपनी ने कहा है कि इस नए फीचर के लिए आपको एक रिव्यू बटन मिलेगा। रिव्यू बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको अपना वॉइस मैसेज सुनना शुरू हो जाएगा। यानी कि आपने भेजने के लिए क्या रिकॉर्ड किया है और आप उसमें कुछ गलत बोल रहे हैं तो उसे ठीक भी किया जा सकेगा। फिलहाल इस फीचर को अभी लाइव नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही कंपनी से iOS और एंड्रॉयड यूजर्स के लिए रोल आउट कर सकती है। यही नहीं, आने वाले दिनों में व्हाट्सएप कई नए फीचर आपके लिए ला रहा है, जिसमें व्हाट्सएप चैट्स को एंड्रॉयड में ट्रांसफर से लेकर व्हाट्सएप स्टेटस पर एडिटिंग शामिल है। व्हाट्सएप के बाद अब बात आती है टेलीग्राम के नए फीचर की। दरअसल टेलीग्राम ऐप पर एक साथ कई अपडेट आए हैं, जिसमें टेलीग्राम चैट्स के लिए पेमेंट 2.0, वॉइस चैट के लिए मिनी प्रोफाइल और शेड्यूलिंग, ब्राउजर्स के लिए न्यू टेलीग्राम ऐप्स जैसे कई अपडेट शामिल हैं। साथ ही अपडेट में एंड्रॉयड यूजर्स को नए एनिमेशन भी मिलेंगे। आपको बताते चलें कि टेलीग्राम में पेमेंट बॉट 2017 से ही मौजूद है, लेकिन अब इसमें बिजनेसमैन किसी भी चैट पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। साथ ही पेमेंट अब किसी भी ऐप से हो सकता है, जिसमें डेस्कटॉप ऐप भी शामिल है। पेमेंट के लिए टेलीग्राम आपसे न ही कोई कमीशन लेगा और ना ही पेमेंट की डिटेल अपने पास सेव करेगा। न्यूज़ तक ब्यूरो।